मैं रेंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं Oppo के A9 के बारे में। जो इसके स्पेसिफिकेशन हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें नए वीडियो बनाने की हिम्मत। तो चलिए बात करते हैं Oppo के जो है A9 के बारे में और ये आपको बताएंगे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, बड़े ही कमाल के स्पेसिफिकेशन हैं। कहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं, कितनी इसकी प्राइस होगी, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर हमें जो देखने को मिलेगा वो 6.53 इंच की जो डिस्प्ले है इसकी देखने को हमें मिलेगी। और इसकी यदि बैटरी की बात करें तो बैटरी होने वाली बड़े ही कमाल की। इसकी बैटरी है 4020 mAh की, यानी 4020 mAh की इसकी बैटरी है। फुल HD प्लस जो है नोच डिस्प्ले हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, वाटर ड्रॉप नोच के साथ। और इसकी यदि बॉडी टू स्क्रीन रेशियो की यदि हम बात करें तो इसका जो है बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है वो है 90.7% इसका जो है बॉडी टू स्क्रीन रेशियो। यदि इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये रन करने वाला है एंड्रॉयड पाई पे, कलर OS वर्जन 6 इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसकी यदि बात करें तो 6GB रैम और 128GB रोम के साथ ये हमें देखने को मिल पाएगा। इसके अंदर यदि बात करें कैमरा सेटअप की तो इसके ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर दिया गया है, जिसके अंदर 60MP प्लस 2MP का कैमरा हमें देखने को मिलता है। यदि फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के अंदर इसके अंदर सिंगल कैमरा दिया गया, सेल्फी कैमरा 16MP का। और कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर भैया प्रोटेक्शन के रूप में हमें मिल जाता है 3D ग्लास इसके अंदर देखने को हमें मिल जाता है। और यदि बात करें इसकी तो इसके अंदर बूस्ट यूज किया गया है, गेम बूस्ट वर्जन 2 जो है इसके अंदर यूज किया है। रियर माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। यदि इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस होने वाली है 267 डॉलर और 30 अप्रैल को ये जो है अवेलेबल हो जाएगा चाइना के अंदर। इंडिया के अंदर देखते हैं कब तक अवेलेबल हो पाता है। और क्या आप इस तरीके के किसी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं? यदि बात करें इसके अंदर तो अभी तक जो है इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोसेसर इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल पाएगा। प्रोसेसर के बारे में कोई न्यूज़ अभी तक अवेलेबल नहीं है। जैसे ही प्रोसेसर के बारे में कोई न्यूज़ हमें मिल जाती है हम ज़रूर आपको बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कोई भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।